अजीत यादव जी, इस सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित इनको किया जा रहा है। मनोज सर को भुक्के देकर कभी सम्मानित कर रहे हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए इतने सम्मान के लिए। और वर्तमान थाना अध्यक्ष मनोज कुमार जी को भी भुक्के देकर सम्मानित किए, संतोष सर को भी सम्मानित किया गया और उपौ थाना अध्यक्ष नए इंस्पेक्टर साहब संजय कुमार जी को सम्मानित करते हुए अजीत यादव जी। अब मैं निवेदन करूंगा इनके सम्मान में दो शब्द रखेंगे। इस सम्मानित और विदाई समारोह के अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी कौवाकुल, मंच संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई नीतीश राज जी, यहाँ पर उपस्थित तकरीबन मां के नव इंस्पेक्टर आदरणीय संजय जी, यहाँ पर वर्तमान थाना अध्यक्ष मनोज कुमार जी, उपस्थित रुपौ थाना अध्यक्ष संतोष बाबू और थाना के जितने पदाधिकारी हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस विदाई समारोह में। और हमारे पश्चिमी के जिला परिषद आदरणीय नारायण स्वामी जी, प्रमुख पति सामाजिक कार्यकर्ता संजय यादव जी, आदरणीय प्रखंड के विश्वत्री अध्यक्ष अजय जी, के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय रामाश्री जी, सरौनी पंचायत के मुखिया छोटे लाल यादव जी, मॉडर पंचायत के मुखिया पति सह शिक्षक रामबालक जी, यहाँ पर उपस्थित बड़े भाई दिलीप चंद्रवंशी जी, निकुंज विश्वकर्मा जी, वरीय शिक्षक अरविंद जी, जोगाचक के आदरणीय राजेंद्र यादव जी, विनय कुशवाहा जी, आदरणीय गार्जियन रामकिशोर माथुर जी, चंद्रिका आदरणीय चंद्रिका डॉक्टर साहब, लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष राणा जी, लोजपा के उपाध्यक्ष रजवल्लभ पासवान जी और तमाम हमारे प्रखंड के यहाँ उपस्थित सभी बड़े को मेरा प्रणाम और उपस्थित मेरे भाई दोस्तों। मनोज बाबू, बहुत लोग बता रहे थे, जो बताए वो इनमें खूबी था, इन्होंने बहुत सुलझा हुआ, बहुत शांति से थानेदारी के रूप में नहीं, हम लोग इनको बहुत नजदीक से देखा, कुछ बात भी हम लोग में हुई, बोलते थे, लेकिन बहुत शालीनता से इन्होंने थाना को चलाया और सभी का बात सुनने का काम किया। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि खाली आदमी बदले हैं, नेम प्लेट वही रह गया है, मनोज कुमार चले गए और नया थाना अध्यक्ष जो आया उनको नेम प्लेट पलटने का मौका नहीं मिला, नेम प्लेट वही रह जाएगा। इसलिए उनसे भी मैं आशा करता हूं कि अच्छा ही करेंगे, क्योंकि नातीगंज से आए हैं, नवादा में बहुत दिन रहे हैं और साथ साथ में हमारे सुमन कुमार जी जो इंस्पेक्टर साहब थे वारसलीगंज चल गए, उनके जगह पर जो संजय कुमार आए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि अपने एरिया और सर्किल को अच्छा से रखेंगे। हम लोग को जनप्रतिनिधि नाते के जो सहयोग होगा मैं करने का काम करूंगा। और मैं धन्यवाद देता हूं संतोष कुमार जी को कि हमारे प्रखंड में बहुत अच्छा से रहे, एसआई थे, बहुत अच्छा से काम किए, आज उनको रुपौ के थाना अध्यक्ष बगल के थाना अध्यक्ष उनको मिला है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि उस थाना को बढ़िया से वो चलाएंगे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्हें थाना अध्यक्ष बने हैं। और मनोज बाबू को कौवाकुल का बहुत आशीर्वाद रहा है इसलिए इनको पटना हुआ है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे जाकर वहां प्रमोशन लें, इंस्पेक्टर बने, डीएसपी बने, यही शुभकामना इनके साथ हम लोग का रहेगा। और कौवाकुल को नहीं भूलें, कौवाकुल को याद रखें, पटना जाने के बाद ही नहीं कि कौवाकुल को भुला जाएं, इसलिए इनसे अनुरोध रहेगा कि कौवाकुल को याद रखें। और सारे सिकवे के लिए आज हम लोग भुला गए, विदाई समारोह तो बड़ा दुखद होता है और नौकरी में तो लगा हुआ है, आपको एक जगह रहना नहीं है, बदली होना ही होना है, आज पटना गए हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल के बाद पटना से भी अलग चले जाएंगे, इसलिए अभी तो आपको बहुत अच्छा पटना हुआ है, बाल बच्चा को पढ़ने का भी मौका पटना में मिलेगा, 5-6-7 साल अभी पटना में रहेंगे, इसके लिए इनको बहुत शुभकामना है। और आगे भगवान से प्रार्थना है भोलेनाथ से कि आगे तरक्की करें
जय हिंद, जय भारत, जय कौओं को।